गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 14 ऑफ एसएसटी। द चैप्टर नेम इज फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज इज नोन एज फॉरेस्ट। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एक बहुत ही लार्ज एरिया जो कवर्ड रहता है ट्रीज से, वो फॉरेस्ट कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, बुशेस, श्रब्स, वाइल्ड फ्लावर्स एंड मूजेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर होम टू वाइल्ड लाइफ। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, बुशेस, श्रब्स, वाइल्ड फ्लावर्स एंड मूजेस आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट। मीन्स ट्रीज, बुशेस और श्रब्स के अलावा वाइल्ड फ्लावर्स और जंगली फूल और मूजेस यानी काई भी फॉरेस्ट का पार्ट है। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए एक होम है, जंगली जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए ये फॉरेस्ट एक होम होता है, घर होता है उनका। यूजफुल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल नेचुरल रिसोर्स एज दे प्रोवाइड अस विथ मैनी यूजफुल थिंग्स। फॉरेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसेंशियल यानी कि ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है जो हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करता है, हमारी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हमें देता है। फर्स्ट है, दे प्रोवाइड अस विद नट्स, बेरीज एंड फ्रूट्स। ये हमें नट्स, बेरीज और फ्रूट्स प्रोवाइड करता है। द सेकेंड वन, दे प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ एंड फॉडर टू एनिमल्स। फॉडर मीन चारा। वो वाइल्ड लाइफ यानी कि वाइल्ड एनिमल्स को, बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है और फॉडर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, यानी एनिमल्स को चारा भी प्रोवाइड करता है। दे प्रोवाइड अस विद हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, पेपर, प्लाई, मैचस्टिक आर सम अदर यूजफुल थिंग्स। ये हमें और क्या प्रोवाइड करता है, सॉफ्ट और हार्ड वुड यानी कि लकड़ी प्रोवाइड करता है जिससे कि हम फर्नीचर बना सकते हैं। पेपर, प्लाईवुड और मैचस्टिक भी ऐसी यूजफुल थिंग्स भी उसकी मदद से बना सकते हैं। मैचस्टिक। नेक्स्ट, मोर देन 40% ऑफ फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड इज सप्लाइड बाय फॉरेस्ट। 40% से ज्यादा फ्यूल यानी कि ईंधन संसार में सप्लाई किया जाता है, वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है फॉरेस्ट के जरिए। मीन्स 40% से ज्यादा फ्यूल वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है फॉरेस्ट के जरिए। Forests provide medicinal plants and herbs. The trees of rainforest also provide medicines. Forest provide करता है, क्या provide करता है, medicinal plants, दवाइयाँ जिससे बनती है, ऐसे पेड़ों को, ऐसे plants को provide करता है हमारे लिए, और herbs जड़ी बूटियों को भी provide करता है। जैसा कि आपको पता है कि दवाइयाँ, कुछ दवाइयाँ और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो पेड़ों से ही बनती हैं। The trees of rainforest also provide medicines. और दवाइयाँ भी provide करते हैं। They provide products like gum, rubber, resin, cork and camphor. Gum तो आप जानते ही हैं, rubber भी जानते हैं, resin means होता है tar, जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, cork means होता है सिंदूर, camphor means होता है कपूर, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट हमें। फॉरेस्ट कवर 21.54% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ आर कंट्री। फॉरेस्ट कितने एरिया को कवर करता है, 21। यस बेटा बोलिए। की आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। यस, फॉरेस्ट कवर 21.54% ऑफ टोटल एरिया ऑफ आर कंट्री। फॉरेस्ट कितने एरिया को, हमारे कंट्री के कितने एरिया को कवर करता है, 21.54% एरिया को कवर करता है।
देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. फॉरेस्ट इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं. कौन कौन से? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट. कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसीडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट. अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है? जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो कभी भी मुरझाते नहीं है, हमेशा ग्रीन रहते हैं, उन्हें कहते हैं एवरग्रीन. जो हमेशा ग्रीन रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर एज ऑल ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स एट द सेम टाइम. ये ट्रीज जो कभी भी, दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल ग्रीन रहता है. ये फॉरेस्ट पूरे साल ग्रीन रहते हैं एज ऑल ट्रीज डू नॉट शेड लीव्स एट द सेम टाइम, और ये अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं. दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. और ये सारी जगहों पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ट्रीज, कौन कौन से ट्रीज आते हैं इसमें? रोजवुड, सैंडलवुड, बैम्बू, टीक, इबोनी और महागोनी. ये सारे पेड़ों के नाम हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं. नेक्स्ट है आपका डेसीडियस फॉरेस्ट. इन दिस फॉरेस्ट ट्रीज शेड देयर लीव्स एनुअली. इस फॉरेस्ट में ट्रीज अपनी पत्तियों को साल में एक बार गिराते हैं. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट, और इन फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं. दीज आर फाउंड इन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड. गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास. कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु. ये इट्स ओके. डेसीडियस फॉरेस्ट किस किस एरिया में पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु. ये सारे एरिया में डेसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं. कौन कौन से पेड़ आते हैं इसमें? टीक, साल, सैंडलवुड, बैम्बू एंड शीशम. ये सारे पेड़ इनके अंडर में आते हैं, डेसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं. नेक्स्ट है आपका डेजर्ट फॉरेस्ट. डेजर्ट फॉरेस्ट क्या होता है? द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर स्कैटर्ड, शॉर्ट एंड थॉर्नी. द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर स्कैटर्ड. इस फॉरेस्ट के ट्रीज जो होते हैं स्कैटर्ड यानी फैले हुए होते हैं, शॉर्ट होते हैं और थॉर्नी होते हैं. थॉर्नी मीन्स कटीले होते, कांटेदार होते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज थॉर्न फॉरेस्ट. इन्हें थॉर्न फॉरेस्ट भी कहा जाता है. अगर आपसे पूछा जाए कि डेजर्ट फॉरेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है तो वो है थॉर्न फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर मेनली फाउंड इन प्लेसेस विद लेस रेनफॉल सच एज राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड पंजाब. तो ये फॉरेस्ट जो है उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ सबसे कम या तो ना के बराबर रेनफॉल होता है. वो जगह है राजस्थान और कुछ पार्ट है पंजाब और गुजरात के. इनमें कौन कौन से पेड़ आते हैं, कौन कौन से ट्रीज आते हैं? कीकर, बबूल एंड डेट पाम. टाइडल फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट क्या होते हैं? दीज द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन फ्रेश एज वेल एज सॉल्टी वाटर ऑफ द सी. ये ट्रीज जो ये फॉरेस्ट के ट्रीज जो होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं फ्रेश वाटर में भी और सॉल्टी वाटर में भी, जो कि सी का वाटर सॉल्टी होता है. आपको पता है समुद्र का पानी नमकीन होता है. ड्यू टू मार्शी लैंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज टेंड टू कम आउट ऑफ द सरफेस. और ये सी के ऊपर, समुद्र के ऊपरी तल पर, ये ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं. इनकी रूट्स पूरी तैरती रहती हैं. वेस्टर्न बंगाल हैज द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट नोन एज द सुंदरबन. सुंदरबन गेट देयर नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज ग्रोइंग हियर. वेस्ट बंगाल हैज द बिगेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट. टाइडल फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा गया है. वेस्ट बंगाल में ये ज्यादातर पाए जाते हैं, बिगेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सुंदरबन के नाम से जानते हैं. सुंदरबन
का नाम, इस फॉरेस्ट का नाम सुंदरबन इसलिए पड़ा क्योंकि ये सुंदरी ट्रीज वहां पर ग्रो करते हैं। लास्ट है आपका कॉनिफेरस एंड माउंटेन फॉरेस्ट। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर कवर्ड विथ टॉल कोन शेप ट्रीज। कॉनिफेरस फॉरेस्ट में कैसे कैसे पेड़ होते हैं, कैसे ट्रीज होते हैं, टॉल लंबे कोन शेप ट्रीज होते हैं वहां। दे विच हैव नीडल लाइक लीव्स, जिनकी पत्तियां नीडल यानी सुई की तरह होती हैं। द नीडल शेप्ड लीव्स ऑफ दीज ट्रीज हेल्प टू स्नो टू स्लाइड ड्यूरिंग विंटर। और ये जो नीडल शेप इसकी लीव्स होती हैं, ये ऑफ दीज ट्रीज हेल्प द स्नो टू स्लाइड ड्यूरिंग विंटर। और ठंडी में जब बर्फ गिरती है तो ये जो नीडल शेप की लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, ये बर्फों को स्लाइड कर देती, गिरा देती हैं। दीज ट्रीज सर्वाइव इन कोल्ड टेम्परेचर। ये ऐसे पेड़ हैं, कॉनिफेरस माउंटेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एंड हिमाचल प्रदेश। ये सारे एरिया हैं जहां पर जो हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पर कॉनिफेरस या माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनमें कौन कौन से ट्रीज आते हैं? पाइन, फर, ओक, देवदार एंड स्प्रूस। ये सारे पेड़ों के नाम हैं जो कि कॉनिफेरस और माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आई विल मीट यू टुमॉरो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।